710 एक इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, बहुत कंपेरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दो तरह की होती है, करस्पॉन्डिंग ईयर फिगर्स और एक कंपेरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। कंपेरेटिव सॉरी करस्पॉन्डिंग ईयर फिगर्स और कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये दोनों मिलके क्या कहलाते हैं? कंपेरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। करस्पॉन्डिंग ईयर फिगर्स यानी प्रीवियस ईयर फिगर्स, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी दो साल के फाइनेंशियल या दो से अधिक साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक साथ टेब्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट करना। करस्पॉन्डिंग ईयर फिगर्स में बेसिक सवाल, आप इस साल के ऑडिटर हो, पिछले साल का कोई और था और आपने इस साल ऑडिट किया और आपको प्रीवियस ईयर में गलतियां पकड़ में आई, क्या वो प्रीवियस ईयर की गलतियों को रिपोर्ट करोगे? ए, अगर करंट ईयर को अफेक्ट कर रही है तो करना ही है, अगर करंट ईयर को अफेक्ट नहीं कर रही तो भी करना है। लॉजिक उसका यह है कि ऐसे बोलता है, ऑडिटर इज नॉट एन ऑडिटर ऑफ करंट ईयर फिगर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इज एन ऑडिटर ऑफ करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और कंपनीज एक्ट और ऐसे दूसरे कई सारे एक्ट में करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटीग्रल पार्ट होता है प्रीवियस ईयर फिगर्स, यानी प्रीवियस ईयर फिगर्स चेक करना है या नहीं, ये तो अपन ने ऐसे 510 ओपनिंग बैलेंस में पढ़ा था, गलती मिली तो रिपोर्ट करना है, नहीं वो यहां पर बताया गया। सर अगर पिछले साल की गलती इस साल को अफेक्ट करे तो रिपोर्ट किया? हां। नहीं करे तो भी रिपोर्ट किया? हां। पर ये रिपोर्ट देते समय साफ साफ लिख देना कि हमारी क्वालिफिकेशन, हमारा मॉडिफिकेशन सिर्फ प्रीवियस ईयर फिगर्स पे, इसका करंट ईयर पे कोई इंपैक्ट नहीं है। सर कभी लास्ट ईयर ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाइड थी और वो इस साल करेक्ट हो गए तो भी बताना है क्या? नहीं बताना। नहीं हुए करेक्ट तो बताना पड़ेगा कि अभी भी गलती है। ठीक है, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है, दो या उससे ज्यादा साल के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक साथ दिए जाते हैं टेबुलर फॉर्म में। इसमें आप क्या करते हो, आप चेक इस साल का करते हो और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेते हो और ऑडिटर की रिपोर्ट मांग लेते हो और आप अपनी रिपोर्ट दे देते हो सारे सालों पे जिसमें आप रिलाई करते हो प्रीवियस ईयर्स पे, प्रीवियस ऑडिटर पे अगर कोई दूसरा ऑडिटर था तो। इसलिए ऐसी रिपोर्ट में आपको लिखना पड़ता है, क्या लिखना पड़ता है कि प्रीवियस ईयर का ऑडिट किसी और ने किया था तो किसने किया था, उसकी ऑडिट रिपोर्ट की डेट क्या है और उसका नेचर ऑफ ओपिनियन क्या है। ध्यान रखना, पिछले साल के ऑडिटर की रिपोर्ट अगर मॉडिफाइड थी और इस साल मैनेजमेंट ने प्रीवियस ईयर को रीस्टेट करके करेक्ट कर दिया है तो आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हो, लेकिन प्रीवियस ईयर ऑडिट हुआ था, इस साल अब हम कंपेरेटिव पे रिपोर्ट दे रहे हैं, पिछले साल की अनमॉडिफाइड रिपोर्ट थी और आपको इस साल चेकिंग करते करते एवं पिछले साल की कोई गलती नजर आ गई, अब आप चाहते हो कि क्योंकि मुझे कंपेरेटिव में हर साल पे रिपोर्ट देना है तो मैं पिछले साल की रिपोर्ट मॉडिफाई और इस साल की अनमॉडिफाइड दूं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि पिछले साल के ऑडिटर ने अनमॉडिफाइड रिपोर्ट दी है, तो उसकी मॉडिफाइड थी तो मेरी अनमॉडिफाइड हो सकती है अगर मैनेजमेंट सही कर दे तो रेट्रोस्पेक्टिवली, पर अगर उसकी अनमॉडिफाइड थी तो मैं मॉडिफाई नहीं दे सकता। इससे क्लैश होता है दो प्रोफेशनल्स के बीच में, ऐसे केस में आप सिर्फ करंट ईयर पे ओपिनियन देना, तो फिर वो कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ओपिनियन ही नहीं बचेगा। हाँ, नहीं बचेगा। अगर चाहिए तो फिर मैनेजमेंट को बोलो पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही करो, पिछले साल के ऑडिटर से वापस से ओपिनियन दिलवाओ, फिर मैं दोनों साल के ऊपर ओपिनियन दूंगा। पूरे प्रोसेस में याद रखना, प्रीवियस ईयर के फिगर्स या प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनऑडिटेड है तो लिखना पड़ता है, सिमिलरली प्रीवियस ईयर अगर किसी और ने ऑडिट किया है तो भी लिखना पड़ता है कि कौन ऑडिटर थे, डेट ऑफ रिपोर्ट क्या थी और नेचर ऑफ ओपिनियन क्या था। कंपेयर